Welcome to the RCB podcast powered by Kotak Mahindra Bank. याद है वो दिन जब IPL के ऑक्शन में RCB ने आपको सेलेक्ट किया? कहाँ थे, क्या हो रहा था, न्यूज़ कैसे पहुंची आपको? मैं देख रहा था, मैं ऑक्शन, ओबीसी जब आपका नाम ऑक्शन में होता तो आप वेट करते हो, चाहे वो शाम को आए चाहे कभी भी आए, आप वेट करते हो कि कब आपका नाम आएगा। तो मैं दिल्ली में बैठा था, प्रदीप साहू भी हैं जो मेरे सीनियर हैं, मैं उनके साथ रहता था। तो उस टाइम मैं टीवी भी देख रहा था और खाना खा रहा था और मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। तो जब वो नाम आया, पहले तो जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, मैंने कहा शिट गए गए। तो लास्ट में सडनली RCB ने जब बोला तो एक वो रिलीफ मिला कि हाँ थैंक गॉड कि एटलीस्ट मैं IPL में हूँ। RCB में आने के बाद व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ बीइंग हियर इन RCB? मतलब कौन मिला आपसे, वो दिन क्या था, क्या बातें हुई थी उस दिन? जब पहली बार जब मैं आया था तो बेंगलोर में कैंप, हम बेंगलोर में आए थे ना या सीधा दुबई आए थे? आई थिंक बेंगलोर में आए थे हम। तो वेटोरी सर थे, तो वेटोरी सर को मेरा नाम बोलना नहीं आता था, तो वो पता नहीं अजीब से नेम से बोलते थे। तो फिर उनको मैंने बताया कि आप यूजी मुझे बोल सकते हो। रवि रामपॉल थे, तो उनको मैं 2011 से जानता था क्योंकि हम चैम्पियंस लीग साथ खेले थे। हर्षल था, क्योंकि हर्षल और मैं हरियाणा से साथ खेले, तो आई थिंक जब हर्षल से मैं मिला तो मेरे को एक हो गया कि चलो मैं एटलीस्ट किसी को यहाँ पे जानता हूँ। और हर्षल ली मेरा दुबई लीग में मतलब रूममेट था, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक इजी हो गया कि अगर मुझे कुछ फील होता था तो मैं हर्षल से बात कर सकता था कि और उस टाइम मेरी इंग्लिश तो मतलब अलग लेवल की थी तो मैं हर्षल से कई बार बोलता था कि तू समझा सकता है। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी याद हैं, क्योंकि जब आप नई टीम में जाते हो तो एज ए यंगस्टर मतलब आपको लगता है कि मेरे को बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर उस टाइम मेरे को हर्षल ने काफ़ी हेल्प किया। विराट और AB के साथ ऑलमोस्ट व्हाट 7 years नाउ, बेस्ट मेमोरीज कौन सी हैं उनके साथ, या कोई एक इंसिडेंट जो आप जिसमें थे एंड आपको लगा कि वाह मैन, मैंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं विराट और AB के साथ ऐसे सिचुएशन में हूँगा। मैं काफ़ी सारे मैचेस ऐसे आए थे कि उनकी पार्टनरशिप वगैरह हो जाती थी, तो मुझे हमेशा रखते थे कि यार नहीं इसको बोल देंगे ये आउट करके दे देगा, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे हर मैच में दिखता था। कोई ऐसा मैच याद है? आई थिंक 2016 का बताऊँ, क्योंकि उससे पहले गया नहीं, 2016 का जिसमें हम दिल्ली के अगेंस्ट खेल रहे थे और डिकॉक बैटिंग कर रहा था, और उसी मैच में मुझे फर्स्ट टाइम पर्पल कैप मिला था। और उससे नेक्स्ट डे जो टीम अनाउंस हुआ था इंडिया का 2016 में, तो उस मैच में डिकॉक बैटिंग कर रहा था, विराट भी आए थे कि मुझे लग रहा है तू ही आउट कर सकता है इसे, तो ये ले तू डाल। तो मतलब वो एक आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि उस साल मैं 17-18 विकेट ले चुका था और एक कॉन्फिडेंस लगा। लेकिन जब कोई इतना बड़ा प्लेयर आपके आपको वो चीज़ बोले तो आप और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और AB सर तो हमेशा मुझे काफ़ी उन्होंने मेरे बाहर भी सपोर्ट किया है, क्योंकि AB सर से पहले मेरे को 1-1.5 साल तो मेरा इतना बात ही नहीं हुआ। फिर एक रात वो मेरे रूम में आए, उन्होंने हमने 3-4 घंटे बात किया, तो वहाँ से मेरा उनके साथ बॉन्ड स्टार्ट हुआ था। सो क्विंटन डिकॉक बैटिंग कर रहे हैं, आपको बॉल दिया गया, क्या हुआ उसके बाद, आउट किया आप? मैंने आउट किया उसी ओवर में, क्योंकि व्हाट इज़ द प्लान, टेल अस अबाउट। मेरा यही था क्योंकि हम रायपुर में थे, ग्राउंड थोड़ा बड़ा था, मैं चाहता था कि क्विंटन डिकॉक थोड़ा अगर मुझे मारता है तो ऑफ स्टंप के बाहर मारे, तो मैंने वही बॉल गुगली डाला था और वो थोड़ा बाउंस हुआ तो वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हुए थे उसी ओवर में। एंड व्हाट वाज विराट्स रिएक्शन? नहीं, एवरीवन हैप्पी, क्योंकि वो मैच ऐसा आ गया था कि अगर हम हारते हैं वो मैच तो हम टॉप 4 में भी नहीं आएंगे, और अगर जीतते तो हम सेकंड आएंगे, तो ऐसा सिचुएशन आ गया था। आपने RCB ज्वाइन करने के बाद आपका करियर बिल्कुल बदल गया, इनफैक्ट इवन RCB हैज बेनिफिटेड एंड चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम योर प्रेजेंस इन द टीम, राइट? क्या डिफरेंस था मुंबई इंडियंस और RCB में कि आप यहाँ पे आके इतना शाइन करने लगे, व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक जो स्पेशली एज ए प्लेयर जो मुझे मिला, मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया RCB ने, क्योंकि मैं मेन क्या होता है कि एज ए क्रिकेटर आपको क्रिकेट ही खेलना होता है, और वो मेरे को मुंबई में नहीं मिल रहा था। पर जब मैं RCB आया और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट हाफ में ही खेलूँगा, पहला मैच ही खेलूँगा, लेकिन वो जो मुझे मिला, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया RCB ने कि मैं अपने टैलेंट दिखा सकूँ, कि मैं
कौन हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आईपीएल में 20-25 प्लेयर होते हैं लेकिन वो सब नहीं खेल पाते, और अगर वो नहीं खेल पाते फिर आपको डर लगता है यार अगर मुझे रिलीज़ कर दिया मैं वापस ऑक्शन में आऊँगा और फिर कहीं मैं पिक हूँ या ना हूँ, तो वही एक प्रेशर भी रहता है कि यार अगर चाहे मुझे एक मैच मिले मुझे अच्छा करना ताकि मैं अगले साल रिटेन रह सकूँ, और वो चीज़ मुझे आरसीबी ने दिया कि एक ट्रस्ट दिखाया कि नया लड़का आया है पहले साल भी आया है इसको हम खिलाते हैं, तो आई थिंक वो एक जो मुझे चांस मिला आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो एक सीज़न रहते हैं फिर वो कहीं उनका पता भी नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ उस टाइम माइंड में ये चीज़ चलती थी। कैच द आरसीबी पॉडकास्ट पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक ऑन स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट एंड गाना। ये है मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस, माय मेट्रो कार्ड, और ये है मेरा फैन कार्ड।